पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग विभिन्न अभियान चलाकर बिजली चोरी रोकने का काम करने में लगा है, तो वहीं मुरादाबाद में भी बिजली चोरी रोकने में एक हद तक कामयाबी हासिल हुई है। बिजली विभाग चोरी करने वालों पर अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। विभागीय कार्रवाई में मात्र 25 दिन में बिजली चोरी करने वाले 3,907 लोगों पर FIR दर्ज कराई जा चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद प्रदेश के सभी विभाग अपने कार्य मुस्तैदी के साथ करने में लगे हुए हैं। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता इंजीनियर पंकज ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग लगातार बिजली चोरी रोकने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में लोग ज्यादा बिजली चोरी करते हैं। इसी पर लगाम लगाने के लिए विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। मंडल में अब तक 3,907 बिजली चोरी के मामले मात्र 25 दिन में दर्ज कराए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। मुख्य अभियंता का कहना है कि लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती रहेगी, साथ ही उपभोक्ताओं से बिजली चोरी ना करके बिजली कनेक्शन लेकर बिजली का उपभोग करने की अपील की है। हमने लगातार अभियान चलाया है विद्युत चोरी रोकने के लिए। हम अर्ली मॉर्निंग छापेमारी कर रहे हैं, क्योंकि लोग रात में कटिया लगा लेते हैं और दिन में हटा देते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग जाके रेड करते हैं, उसमें लोगों को चोरी करते हुए पकड़ते हैं। हमने बहुत सारे मीटर्स जिनमें कंजम्पशन लो आ रहे थे उनको चेक किया, तो वो मीटर टेम्पर्ड मिले, उनको मीटर बदले, उनके ऊपर असेसमेंट लगाया गया। इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ मई महीने की बात करें, 1 मई से लेकर 25 मई तक, तो पूरे मंडल मुरादाबाद मंडल में हम लगभग 3,907 विद्युत चोरी के केसेस पकड़ चुके हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और लगातार अभियान चल रहा है। और इस बार एक अच्छी बात ये हुई थी कि हमें मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत रामपुर, संभल और यहाँ अमरोहा में 12 तारीख से 22 तारीख तक 10 दिन के लिए 11 दिन के लिए हमें PAC उपलब्ध कराई थी शासन ने, उसका बहुत असर अच्छा रहा, उसी वजह से इतनी चोरियां पकड़ी गई हैं। और जब हमने ये अभियान चलाया है उस समय स्थिति ये थी कि हमारे फीडर्स पे लोड कम हो गए, काफ़ी फीडर्स पे, जो पिछले साल से, जबकि होता ये है कि हर साल लोड बढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पे हमने रिग्रेस अभियान चलाया वहाँ पर रामपुर में 4 फीडर ऐसे हैं जो पिछले साल करस्पॉन्डिंग मंथ से करीब 15 एम्पियर लोड कम चल रहा है, उसमें कंटिन्यूस चल रहा है। थेफ्ट रुकी तो हमारा असेसमेंट बढ़ रहा है, हमारी बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ रही है, हमारा लाइन लॉस कम हो रहा है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, हमने लिख के भी दिया है और रिक्वेस्ट भी की है कि हमें हर महीने कम से कम अगस्त महीने तक, जब भयंकर गर्मी पड़ती है, हमें ये PAC की सुविधा हर महीने मिले, जिससे हम ऐसे एरिया में जहाँ पे चोरी पकड़ने में या डिस्कनेक्शन करने में लॉ एंड ऑर्डर वाली प्रॉब्लम आ जाती है, उस समय हमें PAC उपलब्ध कराई जाए कि उन क्षेत्रों में भी हम चेकिंग करा पाएँ। और ये सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।